लहर की आशंका के बीच मिस्ट्री फीवर ने मुसीबत खड़ी की है। देश के बड़े डॉक्टर्स ने इस रहस्यमय बीमारी को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके लक्षण तो आम सर्दी जुकाम की तरह है, लेकिन कुछ सावधानियों को अपनाकर इस बीमारी की पहचान भी हो सकती है और बच भी सकते हैं आप इससे। देश के 3 राज्यों में अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। लक्षण सर्दी, बुखार और खांसी के, लेकिन कहा जा रहा है कि कई मरीज आम मौसमी बीमारी के नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बीमारी के शिकार हैं, जो जानलेवा साबित हो रही है। बुखार वाली बीमारी का सबसे ज्यादा असर यूपी में दिख रहा है, जहाँ कई लोगों की मौत भी हो गई। बुखार की तेजी से बढ़ रही बीमारी की पड़ताल के लिए ICMR ने अपनी एक टीम को यूपी के फिरोजाबाद भेजा था। एजेंसियां जानने में जुटी हैं कि ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है और लोगों को बीमार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में फैली बीमारी को डेंगू का टाइप 2 बताया। यूपी में जो हुआ है अभी फिरोजाबाद में और मथुरा में और आगरा में भी देखा गया है, उसको क्लियरली ये पता चला गया है कि ये डेंगू फीवर है और D2 जिसे डेंगू वेरिएंट सीरोलॉजी में D2 है, जिसमें हेमरेजिक भी होता है, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा टाइप का होता है। डॉक्टर साहब ने बताया भी जिसमें फ्लूइड्स का और प्लेटलेट्स का, कई में प्लेटलेट्स ड्रॉप भी करती हैं, तो वही पाया गया है। डेंगू और वायरल फीवर के अलावा रहस्यमयी बुखार का कहर जब दिल्ली के पास बसे नोएडा पर टूटा तो बीमारी के रहस्य से पर्दा उठने लगा। दावा किया गया कि नोएडा में स्क्रब टाइफस के 2 मरीज सामने आए। दावा किया गया कि बीते 6 साल में पहली बार स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आए। बताया गया कि दोनों मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा था। आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं दी। उधर यूपी में भी स्क्रब टाइफस के 2 मरीज मिले थे। मथुरा में खास करके एक बात निकल गई कि स्क्रब टाइफस और लेप्टोसाइरेसिस करके एक बीमारी है, जिसके जो गंदे पानी में जहां बहुत सारा उपशिष्ट वहां पड़ा रहता है, उसके माध्यम से बच्चों जो खेलते हैं तो उससे भी हो जाता है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण वाले मरीज तेजी से अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। यही वजह है कि इसे रहस्यमयी बुखार भी कहा जा रहा है। इस रहस्यमयी बुखार की मिस्ट्री क्या है, इसका ठीक जवाब जांच कर रही संस्थाएं भी नहीं दे पा रही हैं। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि इस तरह के लक्षण वाले बुखार वायरस की वजह से नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये सभी लोग लेप्टोस्पायरोसिस या स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो माइट की वजह से भी होता है। रहस्यमयी बुखार का कनेक्शन 2 बीमारियों से बताया जा रहा है, पहला लेप्टोस्पायरोसिस और दूसरा स्क्रब टाइफस। सवाल यह है कि आखिर स्क्रब टाइफस क्या है और इसके लक्षण क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो छोटे कीड़े के काटने से होती है। कीड़े के काटने से उस जगह लाल निशान बन जाता है और उसके बाद शरीर में लक्षणों की शुरुआत होती है। इसके शिकार आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके आसपास घास और झाड़ियाँ उगी होती हैं। छोटा सा लाल रंग का रैश होता है और उसके बाद फीवर होना शुरू होता है, हेडेक होता है, सरदर्द, बॉडी एक, माइल्जिया, ये सब चीजें होती हैं। आगे चल के कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस और ये सब चीजें भी हो सकती हैं। के मुताबिक स्क्रब टाइफस के शिकार मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द होता है, शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं और पेट की परेशानियां होती हैं। कई मरीजों में डायरिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। स्क्रब टाइफस के अलावा लेप्टोस्पायरोसिस के मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिनके लक्षण भी स्क्रब टाइफस की तरह ही होते हैं। लेप्टोस्पायरा में 2 तरीके का फीचर होता है। एक होता है पहला फेज, जो आसान होता है इलाज होना और बहुत आराम से ठीक हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट में वही होता है। इसमें होगा फीवर होगा, शरीर में बहुत दर्द होगा और वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, पर फीवर हाई ग्रेड होगा। डॉक्टरों ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। घर या कामकाज की जगह के आसपास पानी ना जमने दें, जिससे उसमें लार्वा पैदा ना हो सके। घर के आसपास लगी झाड़ियों को हटाएं, गंदगी ना फैलने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। डॉक्टरों की सलाह है कि सावधानी बरतने के अलावा सर्दी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई पड़ते ही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, जिससे बीमारी से जल्द निजात मिल सके। एक तरफ डेंगू और वायरल फीवर के मरीज सामने आ रहे हैं तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बीमारी की पहचान के लिए खास तरह के टेस्ट करने जरूरी हैं ताकि समय पर